जो सेट ए में पाए जाएंगे और सेट बी में भी पाए जाएंगे मींस दोनों के कॉमन वर्ड्स जो होंगे या दोनों के कॉमन जो होंगे वो आपके पास इंटरसेक्शन में आएंगे तो सेट ए और सेट बी दोनों के कॉमन मेंबर्स उसके इंटरसेक्शन में भी पाए जाएंगे तो यहाँ पे अब आपके पास एफ एज का इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब ये होगा कि एफ एज का जो इंटरसेक्शन जो होगा वो वो तमाम वर्ड्स कंटेन करेगा जो एफ ए वन में भी पाए जाएंगे और एफ ए टू में भी पाए जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि एफ ए वन में कोई वर्ड आपके पास पाया जा रहा है और वो आपके पास एफ ए टू में नहीं पाया जा रहा लेकिन उसकी इंटरसेक्शन में है ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इंटरसेक्शन का जैसे मतलब है कि आपके पास दोनों के कॉमन वर्ड्स तो इनके जो इंटरसेक्शन की जो एफ ए बनेगी वो सिर्फ वो वाले वर्ड पास करेगी जो एफ ए वन से भी पास हो सकेंगे और एफ ए टू से भी पास हो सके हो सकेंगे इस जैसे कि आपको जिस तरह F1 में नजर आ रहा है कि ए एक्सेप्टेबल है सिंगल ए लेकिन यहाँ पे सिंगल ए एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसका मतलब है सिंगल ए आपके पास जो है वो इसके इंटरसेक्शन में भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा अब हमें देखना ये है कि आया के हम जो है इनका इंटरसेक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं ये पहली लैंग्वेज है आपके पास ये शो कर रही है द लैंग्वेज एंड ऑन ए पे जिस तरह एक्स वन से आपने जो है वो एक सिंगल लेटर ए पास किया और आप फाइनल स्टेट पे पास एक्स टू पे पहुंच गए हैं अब एक्स टू पे जब पहुंचे हैं अगर बी आ गया तो आप दोबारा निश्चित स्टेट पे आ जाएंगे यहाँ पे जितने मर्जी बी है आप पास कर सकते हैं एक्स वन पे और अगर फिर ए आता है तो आप फिर फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे इसका मतलब है एक्स टू पे वही वर्ड्स पहुंचेंगे जो आपके पास जिनके end पे A होगा। उसके अलावा कोई भी वर्ड जो है वो आपके पास फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकता इसका मतलब हुआ कि ये एफ ए वन हुई हुई है द लैंग्वेज एंड ऑन ए के लिए अब एफ ए टू आपके पास गिवन है एफ टू में अगर आप देखें तो बी का लूप लगा हुआ है Y1 पे पे इनिशियल स्टेट यहां से अगर ए आता है तो हम मूव कर जाते हैं टूवर्ड्सू और अगर यहाँ पे बी आता है तो हम वापस कर ले वापसी कर लेते हैं वाई वन पे और दो कंजेक्टिव एज जो हैं वो आपके पास वाई वन से वाई टू और देन फिर आपके पास वाई टू से वाई थ्री जो कि फाइनल है वहां तक ले आते हैं इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास एफ है उस लैंग्वेज के लिए जो सब स्ट्रिंग डबल ए कंटेन कर रही है उम्मीद करता हूँ आपको एफ की समझ आ गई होगी अब आ जाते हैं हम इनके इंटरसेक्शन की तरफ इनका इंटरसेक्शन स्टार्ट ऐसे होगा क्योंकि आपके पास इंटरसेक्शन में वो वाले वर्ड्स आते हैं जो कि दोनों एफ में पाए जाते हैं इसलिए इसकी इनिशियल स्टेट भी दोनों की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगी एक्स वन y1 ये आपके पास इनिशियल स्टेट कहलाएगी z1 अब x1 और y1 दोनों में हम लेटर a पास करेंगे x1 में a पास करते हैं तो हम x2 पे पहुंचते हैं ये हमने x2 लिख दिया y1 में a पास करते हैं तो हम आपके पास y2 पे पहुंचते हैं ये हमने y2 लिख दिया अब x2 y2 आपके पास एक नई स्टेट हम इस Z2 को फॉरन से इसको नाम देते हैं Z2 का फॉरन से आपके पास नई रो में लिख देते हैं, अब, X1, में पास करते हैं। X1 में जब B पास किया जाता है, तो आपके पास X1 में ही रहते हैं हम और Y1 में जब B पास किया जाता है तो भी हम Y1 में रहते हैं इसका मतलब X1 और Y1 में B पास करने पर एक्स वन वाई वन पर ही रहते हैं जो कि आपके पास क्या है Z1 स्टेट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब है कि अब हम जो है z2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब z2 को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर आपके पास आप देख सकते हैं कि दो आपके पास जो है वो स्टेट्स हैं x2 y2। x2 में a पास किया जाए एक्स टू में ए पास किया जाए तो आप एक्स टू पर ही रहते हैं वाई टू में ए पास किया जाए टू में जब ए पास किया जाता है तो आप वाई थ्री पर आ जाते हैं एक्स टू में ए पास करने पर एक्स टू पर ही रहते हैं तो एक्स टू और वाई टू में ए पास करने पर वाई थ्री पर चले जाते हैं वाई थ्री तो आप आ गए आप x2 और y3 पर x2 y2 में a पास करने पर अब x2 y3 जो है ये एक न्यू स्टेट है जो कि पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई हुई थी इसको हमने नाम दिया Z3 का और हमने इसको न्यू रॉ में लिख दिया अब आपने जो है वो Z2 को डिस्कस करना है B के लिए Z2 को जब B के लिए डिस्किस करते हैं तो X2 में B पास किया जाए X2 में B पास किया जाए तो X1 और Y2 में B पास किया जाए तो Y1। तो वन y1 वन y1 वन वन तो हमारे पास इनिशियल स्टेट है z1 वन तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं z3 थ्री को जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पास इससे प्रीवियस स्टेट को डिस्कस करते हुए z2 टू को z2 टू में जब a पास किया गया तो किया किया गया था तो उस वक्त z3 थ्री इंट्रोड्यूस हुई थी तो अब z3 आपके पास है x2 y3 एक्स टू में ए पास किया जाए तो हमारे पास एक्स टू में ए पास किया जाए तो एक्स टू ही आता है तो ये x2 ही लिखती है। अब हमारे पास पास y3 में में किया जाए y3 में अगर आपके पास a पास किया जाए तो आप y3 थ्री भी रहते हैं x2 y3 x2 y3 ये तो आपके पास z3 ही है इसका मतलब है कि आपके पास ये अपने ऊपर स्टेट जो है इस स्टेट के ऊपर लूप लगेगा बाकी आगे देखते हैं फिर X2 में B पास किया जाए X2 में B पास किया जाए तो X1 और Y3 में B पास किया जाए तो Y3। तो X1 Y3 जो है ये आपके पास अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी स्टेट ये एक नई स्टेट बन गई Z4 और Z4 को फौरन से हमने नई रो में लिख लिया अब X1 में A पास किया जाए x1 में जब a पास किया जाए तो आपके पास x2 आता है और y3 में जब a पास किया जाए तो आपके पास y3 आता है तो x2 y3 आपके पास z3 है और उसके बाद x1 में जब b पास किया जाए तो आपके पास x1 में b पास किया जाए तो x1 ही रहता है और y3 में बी पास किया जाए तो आपके पास y3 रहता है तो x1 y3 अगर आप और से देखें तो ये z4 ही है z4 को डिस्कस करते हुए कोई नई स्टेट हमारे सामने नहीं आई तो अब आपके पास आ, हमने देखना है कि इनिशियल स्टेट तो हम z1 को डिसाइड कर चुके थे व्हाट अबाउट द फाइनल स्टेट फाइनल स्टेट का दर्जा किसे दिया जाए फाइनल स्टेट का दर्जा देने के लिए आपके पास जाहिर सी बात है कोई ऐसा वर्ड जो कि एफ ए वन में एक्सेप्ट हो रहा हो लेकिन एफ ए टू में एक्सेप्ट हो ना हो रहा हो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके पास उसके इंटरसेक्शन में पाया जाए इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन जो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि जो दोनों एफ एस के कॉमन वर्ड्स को कंटेन करेगी हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट जो कि आपके पास दोनों एफ की फाइनल स्टेट्स को कंटेन करेगी सिर्फ वही आपके पास फाइनल स्टेट्स बनेगी तो इधर फाइनल स्टेट आपके पास x2, y3. x2 y3, क्योंकि इसकी फाइनल स्टेट है और y3 इसकी फाइनल स्टेट है तो x2, y3 आपके पास सिर्फ z3 थ्री में आ रहे हैं इसका मतलब इसकी एक ही फाइनल स्टेट बनेगी अब हम आ जाते हैं इसके आपके पास फिगर की जाने इसकी अगर फिगर को देखा जाए z1 से a पास किया तो z2 और ओरिजिनली आपके पास z1 z2 z3 z4 चार स्टेट्स हैं z1 में a पास किया तो z2 z1 में a पास किया तो z2 z1 में b पास किया तो z1 z1 में b पास किया तो z1 ही अपने ऊपर लूप आ गया z2 में a पास किया गया तो z3 z2 में a पास किया गया तो z3 और Z2 में B पास किया गया तो Z1, Z2 में B पास किया गया तो Z1। इसी तरह Z3 और Z4 को आप देख पाएंगे और आपके पास ये फिगर बन जाएगी अब हमने इस फिगर को चेक आउट करना है कि आया के ये फिगर सही भी बन रही है या नहीं तो हम इसके लिए आ, जो है इसकी ओरिजिनल आपके पास एफ की तरफ आ जाते हैं हम देखते हैं सबसे पहले के आया के मिनिमल वर्ड आपके पास एफ ए वन का जो एक्सेप्टेबल है वो एक्सेप्ट हो रहा है कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो एफ ए वन में एक्सेप्टेबल ना हो लेकिन हो सकता है शायद एफ ए टू में एक्सेप्टेबल हो जाए आ, तो आपके पास अगर हम देखें के बी ए बी ए का वर्ड एफ ए वन में एक्सेप्टेबल है लेकिन एफ ए टू में एक्सेप्टेबल नहीं है इधर b आपके पास x1 पे ही रहता है और a आपके पास x2 पे पहुंच जाता है और यहाँ पे b y1 पे और a आपके पास y2 पे इसका मतलब fa2 में ba वर्ड असेप्टेबल नहीं है लेकिन fa1 में असेप्टेबल है अब हम देखते हैं इसको क्या हमारे पास इनके इंटरसेक्शन में ये वर्ड पाया जाता है b z1 पे ही रहेगा a आपके पास z2 पे ले आएगा और z2 आपके पास फाइनल स्टेट नहीं है इसका मतलब ba आपके पास उसने असेप्ट नहीं होने दिया अब हम देखते हैं ऐसा वर्ड जो कि आपके पास इन दोनों के कॉमन वर्ड्स में पाया जाए तो वो आपके पास हमारे पास बन रहा है डबल ए ए एंड ए तो क्या डबल ए आपके पास देखते हैं एक्सेप्टेबल हो रहा है कि नहीं तो डबल ए अगर आप देखें तो ए एंड ए एक्सेप्टेबल है बहुत अच्छी बात अच्छा अब कोई और वर्ड देखते हैं आ, डबल ए बी ए असेप्टेबल है कि नहीं डबल ए बी ए यहां पे असेप्टेबल है ए ए बी ए लेकिन यहां पे आप देखें तो ए बी ए तो यहां पे भी डबल ए बी एक्सेप्टेबल है यहां पे भी डबल ए बी एक्सेप्टेबल है अब इसके इंटरसेक्शन में देखते हैं कि आया कि वो वर्ड आ रहा है इंटरसेक्शन में एक्सेप्टेबल या नहीं तो ये बन रहा है आपके पास डबल ए बी ए तो डबल ए बी एक्सेप्टेबल है जेड थ्री के ऊपर उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इसमें जो है आप फाइनल स्टेट का ध्यान रखेंगे बस जो डिफरेंस इसका बन रहा है यूनियन के साथ फाइनल स्टेट में इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास जिसमें दोनों आपके पास दोनों की फाइनल स्टेट आएंगी सिर्फ वही फाइनल स्टेट बनेगी उसके अलावा कोई भी फाइनल स्टेट नहीं बनेगी बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है बाकी सारे का सारा ये यूनियन की तरह ही ऑपरेट हो रहा होता है डायरेक्ट मेथड की तरह ओके अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज